ये है मेरे महादेव, मैं जितनी बार बेड़ी द्वारा आया हूँ इन तो जरूर मिल गया हूँ। श्यामली में है ये, हर हर महादेव। और फाइनली 3:19 पर हम हरिद्वार की पवित्र धरती पर पहुंच चुके थे। शंकर जीवा हर तरफ लाइट ही लाइट है, सजी हुई बहुत सुंदर सुंदर कावड़ है, एक से एक सुंदर सुंदर कावड़ है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे हर की पौड़ी पर दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है। फर्स्ट व्यू ऑफ गंगा मैया, इतना प्यारा सीन है कि देखने के बाद दिल करता है बस देखते रहो। सच में कितनी भी टेंशन हो लाइफ में, कितनी भी बड़ो हो, पर जब यहाँ से ये सीन दिखता है ना तो दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है। उत्तम किसान उदाहरण ना होगा, तू नाना पड़ेगा नहीं नहाएंगे। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूँ फिट और फाइन हो गए बिल्कुल एकदम से। कल रात को एकदम से चाचा का लड़का आया उत्तम, और एकदम से उसने बोला कि चलो हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार चलने का प्रोग्राम बन गया, बहुत दिन हो गए थे हरिद्वार आए हुए, और अब फाइनली रात को हरिद्वार 3 बजे के आसपास पहुंचे थे। बहुत थक गए थे, कमरा लिया था, उसके बाद कमरे में आके बस देख ही रहे, अब सो के उठे हैं। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से हरिद्वार को एक्सप्लोर करना सारा। कावड़िए आ रहे हैं बहुत सारे, तो बहुत बढ़िया रस हो रहा है यहाँ पर, बहुत मतलब अलग सी वाइब्स है बिल्कुल, बहुत ज्यादा चारों तरफ हर हर महादेव के नारे से लग रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। अभी जाएंगे हम भी, बस कल थक गए थे रात को कमरा लेने के बाद, और फिर तो आके सो ही गए थे। और ये बड़ी हमारा शंकर हमारे साथ, और एक है भाई साहब नहाने जा रहे हैं सुबह सुबह, पहला यहाँ नहाएंगे फिर जाके वहां नहाएंगे, खुद को बहुत ज्यादा पवित्र रखते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर आगे की जर्नी। ओके, इतना वो पूरा हुआ और भी कमरे को छोड़कर हम जा रहे हैं नहाने के लिए। और आपको मैं दिखा देता हूँ मोटा मोटा ये कमरा कैसा था, ये था। अरे भाई सुन सुन सुन, बोल बोल पहले बोल। हाँ कहाँ के, क्या प्रोग्राम है? हेलो गाइस ये था पूरा रूम यहाँ पे, दो का सेट था शंकर और उत्तम के लिए, ये सोए थे यहाँ पे बढ़िया। और ये एक अलग सा कॉर्नर दे रखा था उन्होंने, मतलब सोने की कोई दिक्कत नहीं आई। इस टाइम में इतनी भीड़ है यहाँ पर हरिद्वार में, ये भी मिल जाए बहुत बेस्ट है। और ये था वॉशरूम जो सब तबेगार था, बाहर जाकर यही होता है। और दोनों चित्ते तैयार हो चुके हैं बिल्कुल जाने के लिए। चलो भाई एक बार नहाऊंगे, सारा बैग पैक हो चुका है। बाय बाय सब, बाय गाइस, इसके बाद करेंगे भाई पूरा व्लॉग बाकी अभी के लिए। चेक कर लिए एक बार, रूम ने देखा हुआ एक बार? नहीं नहीं देखा है, तुम तो वहां आ गए। अब रूम से निकलने के बाद हम नहाने के लिए जाते हुए, एक बार तो रात को ही नहा लिए थे, रात को तो जब नहाए बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और अब देखते हैं थोड़ा सा सूरज निकला हुआ है, उससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। और ये मेरे सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं गंगा द्वार गेट, इसके राइट साइड जाकर तो भी ये फ्लाईओवर बना हुआ है गंगा के ऊपर, तो दूसरे साइड की हरकी पौड़ी हो जाएगी, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो मेन मार्केट आ जाएगी। मैं अपने टाइम में हरिद्वार के आप था कितनी बार आया हूँ, जो पर जो ये आज वाइब्स है ना उस साइड चलेंगे, जो आज वाइब्स है ना वो हद है। कितना शोर, कितना बढ़िया, एक नंबर का मजा हो रहा है, और कितना साफ जल है बिल्कुल एक नंबर का। बड़ा अच्छा लगा देखकर, अंग्रेज पहले सिर्फ भगवान कृष्ण का प्रचार करते थे, पर अब तो हमारे महादेव तक भी आ गए। और श्री गंगा गेट से एंट्री करके हमने देखने शुरू कर दी कोई जगह जहाँ पर हम बैग कपड़े रख सके और बहुत अच्छे से गंगा जी में गोते लगा सके और नहा सके। हर हर महादेव।
और फाइनली थोड़ा सा वेट करने के बाद हमें मिली घर की पौड़ियों पे वो जगह है जहाँ पर हम अच्छे से नाच के बैग हमने ऊपर रख दिए थे। और सामने का नज़ारा देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया था, हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे थे और बिल्कुल साफ पानी, नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। और अब हम शुरुआत करते हैं नहाने की, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, हर हर महादेव। क्रॉस कर सुबह क्रॉस अरे भाई साहब खड़ा होया जा रहा है इसके अंदर, वो बहुत बढ़िया बात है, इतनी ठंड हो रही है कि अंदर तक पूरी कांप रही है बिल्कुल। और भाई साहब बोल रहे हैं हमारी क्रॉस कर क्रॉस करवा दे भाई साहब, रोशनी करवा दे। और ये देखो शंकर चल पड़ा गंगा माई में अपने पाप धोने, गंगा माई को खुश कर रहा है कि हे माता मैंने जितने पाप किए उसके लिए मुझे माफ करना। और यहाँ हमें मिली एक छोटी सी प्यारी सी लड़की जिसका नाम था कामना, जिसने बस नेचुरल कलर्स और कलर भी बस तीन थे, ये ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, वाइट हो गया और सिंदूर से ही, इनसे ही मतलब बस बहुत कम टाइम में इतने अच्छे से और बिल्कुल सफाई से इतना अच्छा तिलक बना दिया, पूरा महादेव का सिंबल बना दिया। और शंकर मैंने बाद में देखा शंकर घर ही आ गया था पर ये उतरा नहीं, बिल्कुल फिक्स रहा, बहुत प्यारी गुड़िया थी। गुड़िया क्या नाम आपका? कामना। कितने साल की हो? फाइनली हरिद्वार तक नहा के अब बाहर की तरफ निकलते हुए पहला पार्किंग में जाऊंगे, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी है, उसके बाद फिर वहां से जाऊंगे ऋषिकेश की तरफ, ऋषिकेश में और देखेंगे। बहुत बढ़िया वाइब थी, बहुत बढ़िया मौसम था और जैसे कल महाशिवरात्रि है तो उसकी वजह से बहुत बढ़िया यहाँ पर एक नंबर का मौसम जिसने कहा आगरा, मजा आ गया। मैं अपने उसमें बहुत बार आया हूँ पर इतनी भीड़, इतना बढ़िया माहौल बहुत कम टाइम में देखने मिला और मैंने पहली बार मिला था देखने में, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हर हर महादेव। और ये उत्तम इंटरव्यू चलता हुआ हर हर महादेव। सही मैं हरिद्वार मान का जो मजा है ना वो बिल्कुल और बिल्कुल महाशिवरात्रि के आसपास है। और अभी तो सर्दियों का मौसम है इसलिए थोड़े से कम दिख रहे हैं ना, तो जो गर्मियों वाली महाशिवरात्रि हो आगरा है तब तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। बाकी बहुत मजा आया देख कर, हर हर महादेव। इस टाइम तो साफ पानी नहीं हो सकता गंगा मैया का, कितना साफ पानी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर।
शंकर महाराज पर क्यों है अब इतनी भीड़ है कि एक बार गाड़ी निकालने में भी पूरा दम लगेगा। और अब देखते हैं भाई साहब एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, कहां है इतने आगे जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भीड़ है। फाइनली पार्किंग से बाहर निकलकर अब सुलतेरी सी केस की तरफ, और वो देखना आप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।